हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन में आप लोग कीबोर्ड कलर को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को कीबोर्ड कलर को चेंज करना है, यहाँ पर जो नॉर्मल वाला कीबोर्ड होता है गाइस वो नॉर्मल सफ़ेद कलर का होता है, अगर आप लोगों को कलर चेंज करना है कुछ इस तरीके का, तो इस फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। इस फ़ोन में ही है कीबोर्ड कलर चेंज करने का ऑप्शन। तो कैसे आप लोग कीबोर्ड कलर को चेंज करोगे तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड कलर को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एक्सेसिबिलिटी का। तो इस एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस विजिबिलिटी एनहेंसमेंट्स का। तो इस विजिबिलिटी एनहेंसमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड का, देख सकते हैं ये रहा। तो इस पर सीधा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ऑन करेंगे। ऑन करते ही देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर चार ऑप्शन आए हैं। तो जो भी कलर आप लोगों को पसंद आ रहा है उस कलर पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को बैक कर देना है। ऐसा करते आपका जो कीबोर्ड कलर है वो चेंज हो जाएगा। अभी देख सकते हैं मेरे फ़ोन में जो कीबोर्ड कलर है वो यहाँ पर अलग आ रहा है। तो ऐसे करके जो आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन में आप लोग कीबोर्ड कलर को चेंज कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।